323 points positive और इंडेक्स का लेवल आ गया 33,762। इसमें दो तीन रीजंस थे मार्केट के बढ़ने के जो पिछले दो दिन में मार्केट बढ़ी है। एक तो जो JUIF ने धरना अनाउंस किया था उसमें थोड़ा सा हमने सॉफ्ट स्टांस देखा था उनका, और दूसरा जो है वो एक जो टीबेल का ऑक्शन हुआ था परसों उसको भी मार्केट ने, उसमें जो कट ऑफ यील्ड्स के अंदर कट आया था उसको भी मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। तो ये दो रीजंस थे जिसकी बेसिस पे जो है वो मार्केट पिछले दो दिन में एक बुलिश ट्रेंड मार्केट ने शो किया। कल के अगर फ्लोज की बात कर ले तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज और इंश्योरेंस जो है ये सेलर्स थे, और बाइंग में फॉरनर्स थे और म्यूचुअल फंड्स थे। अच्छा, न्यूज की बात कर लेते हैं। न्यूज में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की जो है वो आज एक मीटिंग है जिसमें उनकी बात होगी जो अभी आजादी मार्च JUIF ने अनाउंस किया उसके ऊपर। दोनों अपने अपने स्टैंड पे हैं। JUIF कहता है कि गवर्नमेंट स्टेप डाउन करे, गवर्नमेंट कहती है कि मार्च किसी तरीके से रुके, तो वो दोनों अपने अपने स्टैंड पे हैं। बाद मीटिंग होगी, कोई ना कोई बीच का रास्ता उसमें निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो निकल आता है, कोई पॉजिटिव आउटकम होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव साबित होगा। बट एक और चीज जो कल हुई है वो ये हुई है कि इनका जो JUIF का जो एक विंग है अंसारुल इस्लाम, जो इनके वॉलंटियर्स हैं और ये जो इन्होंने पूरी फोर्स बनाई हुई है, वो टीवी पे आपने देखा होगा यूनिफॉर्म पहन के जो मार्च वार्च कर रहे होते हैं आजकल, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें, तो इन्होंने जो फोर्स वो वाली बनाई हुई थी अंसारुल इस्लाम, उसको जो है वो गवर्नमेंट ने तमाम प्रोविंसेस के अंदर बैन कर दिया है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां देखें हम और एक क्योस जो है वो उसकी वजह से क्रिएट हो। तो देखते हैं अब शाम की मीटिंग में उसका क्या आउटकम निकलता है जिस भी साइड पे होगा। मार्केट तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बंद हो चुकी होगी जब मीटिंग होगी, बट जो भी उसका इम्पैक्ट होगा वो नेक्स्ट वीक में फिर मार्केट में देखने में आएगा। दूसरा जो है वो ट्रेडर्स की स्ट्राइक उन्होंने अनाउंस की हुई है 29th और 30th को। इसके पीछे जो है जो जिस चीज़ के ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं उसमें तीन चीज़ें, एक तो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, एक तो दूसरा जो है वो फिक्स्ड इनकम टैक्स जो रिजीम गवर्नमेंट ने निकाली थी वो है, थर्ड जो है वो NIC की जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने डाल दी थी वो है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ये बेसिकली एहतजाज कर रहे हैं। तीसरी न्यूज़ ये है कि PSX ने लिस्ट कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा सुकूक इशू। ये 200 बिलियन का सुकूक इशू है और शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और अब जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करेगा। अच्छा, मार्केट व्यू की अगर हम बात कर लें तो आज के दिन में तो चले रोल ओवर का लास्ट है, पोजीशंस ने एडजस्ट होना है। जो लोग नहीं एडजस्ट कर सके हैं पिछले चार दिन में अपनी पोजीशंस, उनके पास आज मौका है कि वो रेडी के अंदर भी अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर सकते हैं। तो आज का दिन तो मेरे ख्याल से ये रोल ओवर के अंदर ही जाएगा। वो मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड वाली एक्टिविटी नहीं लगती है। हो सकता है पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाए वो 200-250 पॉइंट के पास, बट नेक्स्ट वीक का जो आउटलुक होगा मार्केट का वो डिपेंड करेगा जो आज की मीटिंग होनी है शाम की उसके ऊपर, और धरने के ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, वेदर ये मार्च कंटिन्यू करता है या फिर ये इसी तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कोई इनके टॉक्स जो है वो कामयाब हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो मार्च नहीं होगा। तो वो अगर उस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी आ जाती है तो फिर मार्केट जो है वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी नेक्स्ट वीक में। अगर मार्च नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव उसके अंदर रिएक्शन आ जाएगा। अगर कंटिन्यू करता है तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे मार्केट थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट करेगी या फिर इन्हीं लेवल्स पर रुकी रहेगी, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा यहीं।